बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। ये उसकी फ्रंट साइड है, ये वर्जन है 7.1.1 SMJ 510F J5 16 मॉडल। इसका FRPM क्लियर करेंगे, जीमेल अकाउंट अनलॉक करेंगे, स्टार्ट में जाएं, वाईफाई से कनेक्ट कर लें या फिर सिम डाटा ऑन हो तो वाईफाई की ज़रूरत नहीं है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आप पीछे आ जाएं मेन स्क्रीन में, और यहाँ पे तीन टैम जल्दी जल्दी से होम बटन प्रेस करें, जिससे टॉक बैक सेटिंग ऑन हो जाएगी। तीन दफ़ा जल्दी से, 1 2 3 ऐसे। ये देखें टॉक बैक सेटिंग ऑन हो गई है। व्हील शेप में जाएं, टॉक बैक सेटिंग में जाएं, टॉक बैक सेटिंग्स इन लिस्ट 10 आइटम्स, दो उंगलियों से प्रेस करें, एक उंगली से ऊपर नहीं होगा, दोनों से ऊपर करें, एक्सप्लोर बाय टच, इसको ऑफ कर दें, ओके कर दें, ये ऑफ हो गया। अभी एक उंगली एक टच सिंगल टच से काम करेगा। हेल्प एंड फीडबैक में जाएं, यहाँ से ऊपर ऊपर वाले ऑप्शन में स्विच एंड्रॉइड में, और यहाँ पे यूट्यूब प्ले करें, यूट्यूब का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे वीडियो का। थ्री डॉट्स में शेयर में, फिर थ्री डॉट्स में जाएं, इस तरह से इसको यूट्यूब ऑन हो जाएगा। इसको मिनिमाइज़ कर दें, जो वीडियो आ रहा है अकाउंट वाली जगह पे क्लिक करें, अकाउंट वाली जगह पे क्लिक करके ट्रिम्स एंड पॉलिसी कैंसल, और यहाँ पे हमारा ब्राउज़र खुल जाएगा। यहाँ पे हम खोलेंगे गूगल, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे। मैं ज़रा इसकी सेटिंग में जाके कीबोर्ड चेंज कर लूँ, ये दूसरी तरह का आ रहा है। कीबोर्ड मैंने चेंज कर लिया, इसको बैक करें। अभी ये देखिएगा कीबोर्ड हमारा चेंज हो चुका है। गूगल में जाके हम सर्च करेंगे एक एप्लीकेशन जो कि है REMOTE रिमोट वन, MOTE स्पेस वन, GSMH APK। ये देखें ये हमारे पास आ चुकी है, इसको सर्च करें। 28,49 MB की एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लें। ये रही 28,49 रिमोट GSMH APK। ये गूगल अकाउंट मैनेजर की एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड पे लगा दें। ये देखें स्टार्ट डाउनलोडिंग, स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है। अभी हम दूसरी सर्च करेंगे, गूगल में जाएं, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्विक शॉर्टकट मेकर। ये देखें क्विक शॉर्टकट मेकर APK आ गया, जिसका वर्जन है 2.4.0। क्विक शॉर्टकट मेकर इसको लेटेस्ट वर्जन है, इसको डाउनलोड पे लगा दें। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह फिर बुक मार्क्स में जाएं, हिस्टोरी, डाउनलोड हिस्टोरी, और ये दो हमारी एप्लीकेशन आ गई। सबसे पहले हम क्विक शॉर्टकट मेकर को इंस्टॉल करेंगे। सेटिंग में जाएं, अननोन सोर्स जो है ओके कर लें, इंस्टॉल कर दें, ओपन करें, और यहाँ पे जो है सेटिंग्स सर्च करें। ये सेटिंग हम ढूंढेंगे, सेटिंग के ऊपर क्लिक करें, नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें और ट्राई पे क्लिक करें तो ये हमारी सेटिंग खुल जाएगी। नीचे नीचे जाएं एप्लीकेशंस में, हम एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ पे जो है थ्री डॉट्स में जाके शो सिस्टम एप्स इसको शो कर दें और नीचे करें गूगल अकाउंट मैनेजर सर्च करेंगे हम यहाँ पे।
ये रहा गूगल अकाउंट मैनेजर, इस पर क्लिक करके इसको डिसेबल कर देंगे। डिसेबल हो गया, इसको बैक करें और गूगल प्ले सर्विसेज इसको भी डिसेबल करेंगे, लेकिन ये हिडन है अभी, डिसेबल नहीं हो रहा। इसके लिए हमें बैक जाना होगा लॉक एंड सिक्योरिटी में, अदर सिक्योरिटीज, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, और इसको फाउंड माई फोन को डीएक्टिवेट कर देना है, बैक जाएं। अभी दोबारा से हम जाएंगे ऐप्स में, थ्री डॉट में शो सिस्टम ऐप्स, गूगल अकाउंट मैनेजर, और यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस में हम जाएंगे, तो वो भी हमारा डिसेबल हो जाएगा। गूगल प्ले सर्विस ये देखें, ये अभी डिसेबल हो जाएगा, इसको डिसेबल कर दें, बैक आ जाए। और दोबारा से हम जाएंगे थोड़ा और बैक, और यहाँ पे सर्च करेंगे माई फाइल, ये रहा माई फाइल को खोल लें, नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, ट्राई पे, और डाउनलोड्स में जाएं तो यहाँ पे रिमोट वन जो है GSM एज जो एप्लीकेशन डाउनलोड की थी उसको इंस्टॉल कर दें, जो कि रिमोट वन। इसको डन कर दें और दोबारा से हम जाएंगे फिर से सेटिंग्स में, यहाँ पे दोबारा से सेटिंग टाइप करें, ये रहा सेटिंग में, नीचे वाले ऑप्शन पे टाइप कर दें, ट्राई में जाएं, और यहाँ पे हम जाएंगे अकाउंट्स में ऐड अकाउंट, और यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर दें, जस्ट ए सेकंड, और यहाँ से हम जीमेल अकाउंट मांगेगा, हम यहाँ पे कोई भी अपना जीमेल अकाउंट पहले से बना हुआ दे देते हैं, और नेक्स्ट करेंगे गो, और उसका पासवर्ड जो है हम यहाँ पे उसका पासवर्ड इंटर कर देंगे और गो कर देंगे। ये देखें हमारा जीमेल अकाउंट इसमें लग चुका है, ये बैक आ जाएगा उसी जगह पे, ये देखें। अभी दोबारा से हम पीछे जाएंगे, ऐप्स में जाएंगे, और यहाँ पे आल में जाके डिसेबल खोलेंगे, गूगल प्ले सर्विस डिसेबल है, इसको दोबारा से इनेबल कर देंगे, ये जो है इनेबल हो गया। फिर थ्री डॉट में जाके जो है हम सिस्टम फाइल करेंगे तो हमारा गूगल अकाउंट मैनेजर भी आ जाएगा डिसेबल, तो इसको भी हमने अनेबल कर देना। ये नहीं हुआ, दोबारा से मैं इसको अनेबल कर देता हूँ, ये लेके अनेबल हो चुका है। अभी इसको बैक करेंगे, अभी चाहे आप इसको इसी तरह से बैक लेते चले जाएं या यहाँ से रिस्टार्ट कर दें, बात एक ही है, मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। J5 16 मॉडल है गैलेक्सी का, ये भी रिस्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से आज इसको बैक करेंगे हम, क्लोज बैक करते रहें, बैक पे प्रेस करते रहें, कभी आता है इस तरह कभी नहीं आता, तो दोबारा से हम इसको स्टार्ट में जाएंगे। वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, आगे जाएं, नेक्स्ट करें, एग्री टू ऑल, नेक्स्ट, चेकिंग सेटअप, यहाँ पे कुछ देर ले जाता है, मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया है, ये देखें अकाउंट एडिड, हमारा अकाउंट इसमें लग चुका है जो हमने वहाँ पे दिया था। अभी हमारा FRP क्लियर हो चुका है, ये थोड़ा मैं इसको फॉरवर्ड करते हुए आगे लेके जा रहा हूँ, नॉट नाउ, स्किप कर देते हैं इसको, स्किप करते हुए इस तरह आगे बढ़े, फिनिश,
लीजिए जनाब, हमारा अकाउंट FRP क्लियर हो चुका है। अभी आप इसकी जो एप्लीकेशन जो हमने इंस्टॉल की है उसको अनइंस्टॉल कर दें, और या चाहे USB डबगिंग और EMI अनलॉक करके इसको रिस्टोर कर दें। बात एक ही है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।